हमें अब थोड़े दिन के लिए चली जाए, इसी तरह जिद बहस करती रहेगी। मैं आपको असमा के घर छोड़ आता हूँ, बल्कि नसीर और वासिफ आ रहे हैं ना, वो आपको साथ ले जाएंगे। अम्मी अम्मी को अब तुम अपने साथ ले जाओ, ठीक है? कि मैं अब इस घर में तुम्हारी अम्मी को नहीं रखने वाली, ठीक है? तुम दोनों भाई आपस में फैसला कर लो कि कौन अम्मी को रखेगा। हाँ, वो वासिफ ले गया था आकर, अब वो वहीं रहेंगी। क्यों? क्यों क्या मतलब भाई? तुमने और मैंने बहुत खिदमतें कर ली उनकी, अब उनको भी पता चले कि बहुओं का फर्क क्या होता है, कौन बहू अच्छी है कौन बुरी है। रहेंगी ना उस मीसनी फरहत के घर, तो लग पता जाएगा उन्हें। वालेकुम सलाम बेटा। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी आपने दूध मंगवाया था? हाँ हाँ, मैं चाय बना रही थी ना, तो दूध नहीं था, तो मैंने उनसे मांग लिया। हद करती हैं आप अम्मी, क्या जरूरत थी पड़ोसियों से दूध मांगने की? आप वासिफ को बोल देती वो ले आता, क्या सोचेंगे सब लोग कि हम आपका बिल्कुल ख्याल नहीं करते? नहीं। क्या हो गया, क्यों शोर मचाया हुआ है? पूछो अम्मी से, पड़ोसियों से दूध मांगा है क्योंकि इनसे सबर नहीं हो रहा था, चाय पीनी थी। मैंने तुम्हें कहा था कि दूध का कार्टन ला के रख दो, लेकिन तुम मेरी एक बात नहीं सुनते। पकड़ो इसे, अब बेइज्जती कर मत हमारी। अम्मी यहां ये सब नहीं होता, ये पुराना मोहल्ला थोड़ी है कि शराज रेड्डी से कुछ भी मांग लिया। और वो सही कह रही है, अब हमारे आने का वेट कर लेती, मैं आपको ला देता। खामों का बेइज्जती करवा दिए पड़ोसियों के सामने। ये ले बुलाए चाय। खालिद, खालिद। बस खालिद खाना लेने गया होगा, कोई काम है खालिद? जी अंकल, वो बाहर बिल्ली का बच्चा भूखा था, मैंने सोचा वो दूध ला देगा तो प्याली में उसको दे दूंगा। अरे यहाँ इंसानों के भूख की फिक्र नहीं है किसी को, तुम बिल्ली के बच्चे की बात कर रहे हो, बड़े एहसास करने वाले आदमी हो। अंकल अब्बू कहते थे कि हम जो कुछ भी कमाते हैं उसमें दूसरे इंसानों का भी हिस्सा होता है, और अगर हम किसी की मदद करते हैं तो किसी पर एहसान नहीं करते, बस अल्लाह ने उसका हिस्सा हमारे पास रखवाया होता है जो हम उसको लौटा देते हैं। अब्बू हमेशा कहते थे कि अगर तुम किसी कुत्ते बिल्ली या जानवर को भूखा देखो तो उसे खाने के लिए दे दो, इस तरह अल्लाह रिस्क में इजाफा करता है। तूने मुझे यही सिखाया। सही सिखाया, मगर अब ये बातें किताबी लगती हैं, और हकीकत तो ये है कि वैसे वालदेन ही नहीं रहे जो इस तरह तरबियत किया करते थे। सिद्दीकी साहब पक्के जन्नती है, क्योंकि वो पीछे तुम जैसी औलाद छोड़कर गए। तो मैं खुद ही उसको दूध दे देता हूं। वाह सिद्दीकी। हाँ हाँ भाई आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी। चलो बाद में बात करते हैं, तुम भी ख्याल रखना अपना। क्या बात है भाई, आजकल हर वक्त तुम्हारे मुंह पे 12 बजे रहते हैं। अब तो तुम्हारे पैसों का मसला भी हल कर दिया, मेरा भाई पूरे 3 लाख रुपए देकर गया है, अब क्यों मुंह फुला हुआ है? मैं इसीलिए तुमसे पैसे नहीं ले रहा था कि तुमने सिर्फ ढोल ही पीटना इस बात पे। हाय अल्लाह, मैं कहाँ ढोल पीट रही हूँ,
बंद कमरे में तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हारी फूली हुई शक्ल देख के तो जरा दिलासा देने का मन कर गया मेरा। तुम दिलासा नहीं दे रही हो, तुम एहसान जता रही हो मुझे। अच्छा भाई ठीक है, जो समझना है समझो। ये बताओ खाना लगा दूं? मुझे भूख नहीं, तुम खा लो जाके। भाई मैंने मॉर्निंग शो में देखा था, निदा यासिर कह रही थी कि मगरिब से पहले रात का खाना खा लेना चाहिए, उसके बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए वरना वजन बढ़ जाता है। मैंने तो सोच लिया, मैं तो यही करूंगी। देखना एक महीने में ऐसी पतली तार की तरह होके दिखाऊंगी मैं तुम्हें। अच्छा बताओ ना, लगाऊं खाना? कह रही है ना मैंने नहीं खाना। अच्छा ठीक है, तो गुस्सा क्यों कर रहे हो मुझ पे? पता नहीं कहां का गुस्सा आके हम पे उतार देते हैं। नहीं खाना। वासिफ ये देखो, दूध वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। अम्मी ने चाय भी नहीं बनाई और पड़ोसियों से मांग भी लिया फिजूल। तो तुम बना लो, मुझे भी दे दो और अम्मी को भी। आज मैं लेके गया था पेपर्स वकील के पास, तुम्हें भी एक दिन मेरे साथ चलना होगा। और हाँ, तुम्हारा एनआईसी चाहिए होगा। जब भी जाना हो ना मुझे बता देना, मैं चाहती हूँ ये काम जल्दी से हो जाए और हमारी शादी हो जाए। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, बस ये सोच रहा हूँ कि सब कैसे रिएक्ट करेंगे। अम्मी को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करे। अब भी तुम अपनी अम्मी के गुस्से के बारे में सोच रहे हो? अरे वही तो है जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। सोचो जरा, हमारी शादी हो जाती तो हम कितनी खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हो। कह तो तुम ठीक रही हो, काश मैं उसी वक्त स्टैंड ले लेता। पता है नसीब, सब कुछ कुदरत की तरफ से होता है। तुम्हारी शादी के बाद ना जाने मेरे कितने रिश्ते आ और मैं एक के बाद एक सबको इनकार करती रही, ये भी नहीं ये भी नहीं। अब एहसास होता कि वो मेरे दिल की नहीं तुम्हारे दिल की आवाज थी। तुम्हारी मोहब्बत थी जो मेरे पैरों में जंजीरों की तरह जकड़ी थी। तुम्हारी मोहब्बत थी जिसने मुझे रोका किसी और का होने से। देखो ना, मुझसे मिलने के बाद तुम कितना बदल गए, जैसे तुम्हारे मुर्दा दिल में किसी ने जान डाल दी हो। ठीक कह रही हो अब्बू, तुमसे मिलने के बाद मैं बहुत खुश रहने लगा हूँ। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश रह सकते। अब देखो ना, तुम्हारी शादी हो गई लेकिन तुम अधूरी जिंदगी बसर करते रहे और मैं यहाँ तन्हाई की सजा काटती रही। लेकिन अब मैं किसी को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगी, सबको डिसोन कर दूंगी। और खुदा के लिए अपनी अम्मी भाई भाभी इन सब से ना जान छुड़ाओ, इनमें से कोई भी तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता यार। वासिफ है? हाँ वासिफ बोलो। अस्सलाम वालेकुम नसीब भाई। नसीब भाई मुझे आपसे बात करनी थी, आप उस दिन आए नहीं अजहर भाभी के घर। यार काम में फंसा हुआ था,
बोलो क्या बात करनी है? नसीर भाई, मुझे अम्मी के बारे में बात करनी थी आपसे। अम्मी के बारे में तुम्हें क्या बात करनी है? क्या हुआ अम्मी को? वो अजरा भाभी चाहती हैं कि अम्मी मेरे ही आपके पास रहें। क्यों? अब क्यों का क्या जवाब दूं मैं? आप जानते हैं अम्मी और अजरा भाभी की बनती नहीं है। उस दिन तो मैं अम्मी को ले आया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि अम्मी को आप ले जाए अपने पास। वो वैसे भी असम भाभी को याद कर रही थी। या हेलो 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 नसीब भी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, कॉल कट दी। कोई जरूरत नहीं अपनी अम्मी को अपने पास लाने की, कर ली बहुत खिदमतें। मैं भी ये नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता उनको अपने घर पे लाना। मुझे नहीं पता, जब हमारी शादी रुकवानी थी तब तुम्हारी अम्मी और अजरा भाभी तो एक हुई हुई थी, अब क्या हो गया? अच्छा तुम तो नाराज क्यों हो रही हो? प्लीज स्माइल करके दिखाओ। यार नाराज तो ना हो। ओए हेलो, रक्षी यार, कॉल काट दी नसीब भाई ने। ये अच्छा है, अजरा भाभी ने अम्मी का सामान पैक करके उन्हें हमारे पास भेज दिया और नसीर भाई ने अम्मी का नाम सुनते ही फोन काट दिया। जबरदस्त। तुम असमा भाभी से क्यों नहीं बात कर रहे हो? मैं नसीर भाई से बात कर सकता हूँ, असमा भाभी से बात करते हुए जिजक होती है मुझे। क्या कहूँ कि अम्मी को आके ले जाए हमारे पास से? अरे तुम फजूल में लिहाज कर रहे हो, तुम उनसे बात करके तो देखो एक दफा। वासिफ जेमी आया। अम्मी आपने बुलाया? हाँ बेटा, आओ बैठो। कोई काम है? नहीं बस ऐसे ही, मेरा दिल बहुत भोजन हो रहा था। तुम मेरे पास बैठो, हम कोई बातें करते हैं। भरत को भी बुला लो। अम्मी टीवी देख लें। ये ड्रामा देख लें, अच्छा है। मैं और परत भी देखते हैं।
कैसे हो सब? सब खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम। सलमा जाके जल्दी से चाय का इंतजाम करो। कोई जरूरत नहीं है, मेहमान और से मिलने आया हूँ। नहीं 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 नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम मानुरापी को कल मायूं तो बिठा चुके हैं और अब आपका और उनका पर्दा है। मुझे भी ये लगता है कि कुछ बातें शादी के बाद हो जानी चाहिए। अरे तुम तो कह रही थी मगरिब के बाद तुम कुछ खाओगी नहीं। भाभी मैं मानूर से मिलना चाहता हूं। मगरिब के बाद तो आ रहा है, इशा के बाद का थोड़ी रहा था। हैं खाओ है? नो नहीं, 400 रुपए किलो है, ले लो 100 रुपए खा लो। नहीं खाना। अरे याद है मम्मा, एक दिन हमें पिज्जा खिलाने लेके गया था और जानबूझ के अपना वॉलेट नहीं लाया था और आपको पैसे देने पड़ गए थे। तुम भी एक एक चीज याद रखती हो ना। खबरदार, मेरे बच्चे को तंग ना किया कर खाम खाबे। और मेरी शादी भी नहीं हुई और आप उसकी हिमायत ले रही हैं। मैं शिकायत किससे करूंगी इसकी? मैं जिससे मर्जी करो लेकिन मुझसे ना करना इसकी शिकायत। मेरा तो ये बेटा है। देख लो, शादी के बाद मुझसे सोच समझ कर लड़ना। नसीर, अब बेटा क्या बना फ्लैट का? वो उसके नाम कर रहा था। वो हो गया सब, फाइल भी लेके आ गया आज, बल्कि मैसेज किया था ना उसको बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए, रिप्लाई आया उसका? हाँ मैं चेक करता हूँ। फोन तो कब से ऑफ है यार, एक सेकंड। नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं कल कॉल करूंगा उसे। वैसे मेरा बच्चा, मेरी एक बात जो है ना वो ध्यान से सुन लो, बल्कि इसको अपने पल्ले बांध लो। तुम दोनों के इस रिलेशन के बारे में तुम्हारी अम्मी और खास तौर पर उस सजरा को मेहनत तक नहीं पड़नी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही है मामा, वकील भी ना दूसरा करना और वो वासिफ के मशवरों पर अमल करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और खुदा के लिए अपनी माँ को उठा के ना ले आना नसीर। हाँ हाँ मैं मना कर दूंगा। ना वारे वाह, आसिफ की कॉल है? नहीं, अस्मा की कॉल। हाँ बोलो। हेलो, कहाँ हैं आप? इतनी देर हो गई, फोन भी बंद जा रहा था। माल उठाने आया था, कारखाने में हो। कम से कम बता तो देते ना, मैं यहाँ परेशान हो रही थी। खाना गर्म कर दूँ? कितनी देर में आ रहे? अच्छा बस, अब पता चल गया ना मैं जिंदा हूं।
कोई ऐसी बात नहीं है, टेंशन ना लो बेटा, बोतल पियो ठंडी। जी जी आंटी, खा रहा हूँ। आप लोग सही तरीके से खा रहे हैं ना? वैसा एक पीस तो देना। बेटा वो तुम्हारे अब्बू के दोस्त हैं। और तुम्हारे अब्बू चाह रहे हैं कि उनके बेटे से तुम्हारा रिश्ता हो जाए। क्या? देखो मेरे फोन को क्या हो गया, थोड़ी देर चार्ज होता है, चलता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। अम्मी हो सकता है आपका चार्जर खराब हो गया, मैं अपने चार्जर पे लगा कर देखती हूँ। ठीक है। देखिए इस पे चार्ज हो रहा है, आप इसको यहीं लगा रहे थे। तो वासिफ को कह दो कि मेरे लिए नया चार्जर ला दे। ठीक है अम्मी, लेकिन अभी फोन अपना यहीं चार्ज होने दे। चलो ठीक है। अरे भाई शहनाज, फोन नाम की भी कोई चीज होती है, आने से पहले फोन ही कर देती, इस तरह कौन बगैर बताए किसी के घर चला जाता है। मैं तुम्हें फोन पे बता देती कि अम्मी नहीं है यहाँ पर। मैंने बेबी बाजी के नंबर पर कॉल की थी लेकिन उनका नंबर बंद मिल रहा था। हमें तो यही पता था कि बेबी बाजी तुम्हारे ही साथ रह रही है। हाँ भाई मेरे साथ ही रह रही है, और कोई बहू रखने के लिए तैयार भी तो नहीं ना उनको। वो तो वासिफ की बीवी की तबीयत खराब थी तो वो आके ले गया उन्हें। देखो जरा कैसा रंग निकाला है वासिफ ने, है अभी इस उम्र में बूढ़ी माँ से बीवी की खिदमतें कराएगा। क्या वासिफ के घर कोई खुशखबरी आने वाली है? हमें नहीं पता, ना हमें बताया ना हमने पूछा, और वैसे भी मुझे तुम्हारी तरह टो लेने की आदत नहीं है। दरअसल मैं तो अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेके आई थी, मुझे उनका पता दे दो। भाई आजकल कौन कार्ड देता फिरता है लोगों को, व्हाट्सएप पे फोन पे भेज दिया जाता है कार्ड, बिना वजह रक्षे और टैक्सियों के किराया खर्च करके तुम मारी मारी फिर रही हो दुनिया में। ये तो नए दौर की बातें हैं, हम तो पुराने दौर के लोग हैं और हमें यही अच्छा लगता है कि इज्जत से किसी के घर जाके कार्ड दिया जाए। कब है शादी? इस इतवार का वलीमा है। ठीक है मैं जमाल के हाथ कार्ड भिजवा दूंगी। नजरा अगर तुम पता बता देती तो इसी बहाने बेबी बाजी से मुलाकात भी हो जाती हमारी। मुझे नहीं पता कि कहाँ रहती है वो, आज तक मैं खुद उसके घर नहीं गई, उसको नहीं अच्छा लगता उसके घर कोई आया जाए। वैसे भी तुमको तो पता ही है कैसे लिए दिए रहती थी वो। जहां तक मुझे याद पड़ता है आज तक उसने सीधे वो तुमसे दो घड़ी बात तो की नहीं बैठ के, और तुम्हें आग लगी हुई उसके घर जाने की है। चाय का पूछती लेकिन घर में गैस नहीं आ रही। चले अच्छा ठीक है, अब हमें इजाजत दीजिए, मैं ये कार्ड देने आई थी। ठीक दे दूंगी मैं। अम्मी मैं और फरहत वॉक पे जा रहे हैं, खाना भी बाहर खा के आएंगे। आपका खाना फ्रिज में रख दिए, खा लीजिएगा गर्म करके।
ये क्या, ये लेके नहीं गया साथ? नहीं, मैंने उससे कहा था कि डॉक्यूमेंट्स मेरे पास छोड़ जाना। शाबाश, ये किया ना तुमने अकलमंदी का काम कि उसके फ्लैट की फाइल अपने पास रख ली। शुक्र है आपको मेरा गेम तो समझ में आया, वरना शुरू दिन से अजरा और बेबी बाजी से इतना डर रही थी और मुझे भी डराई जा रही थी। वैसे ये फाइल हाथ में आने से ना कुछ भी नहीं होता, असल काम तो तब होगा जब फ्लैट मेरे नाम होगा। इंशाल्लाह वो भी होगा, और जिस दिन ये फ्लैट मेरे नाम हो गया ना उस दिन मैं करोड़पति कहलाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन ये मनहूस मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ए छोड़ इसको, बस सुन इसका फोन, दफा कर। ये हिस्ट्री कर दो। सुने वो उस दिन आप फ्लैट की फाइल लेकर गए थे, मैं वापस भी रखी। हाँ तो? नहीं, मैंने कहा अगर गाड़ी में है तो वापस रख देना, कहीं इधर उधर ना हो जाए। मुझे अपनी चीजों का ख्याल रखना आता है, और तुम्हें ये फ्लैट की फाइल की इतनी फिक्र क्यों है? मसला क्या है तुम्हारे साथ? आपको याद है अब्बू ने अपने प्लॉट की फाइल खो दी थी, फिर सारे पेपर्स नए सिरे से बने थे, कितना खर्चा हो गया था उसमें। मुझे अपनी चीजों को संभाल के रखना आता है, कोई चीज कहीं मिस नहीं होगी। ऐसे क्या देख रही हो? नहीं, बीवी और बच्चे को भी इंसान समझकर नहीं तो चीज समझकर ही संभालना। सिलाई मशीन चलाने लगी हो, साथ में जबान भी चलने लगी है, लगता है बहुत अच्छा कमा रही है। शर्ट इस्त्री करके दो। अस्सलामुअलैकुम वासिफ जी। अबू तुम्हें खाने के वक्त का पता है ना, फिर क्यों किसी को भेजता, बार बार तुम्हें बुलवाना पड़ता है। अबू मैं आ ही रहा था बस। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त पे ऑर्डर मुकम्मल कर दिया। असल में ये ऑर्डर बाहर जाना था और इसका आज ही मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी था। बस दो रातें जागना पड़ा। मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं, इसलिए नहीं कह रही थी, मैं तो बस ऐसे ही कह दिया। अच्छा तुम मुझे अपना अकाउंट व्हाट्सएप कर दो, मैं ज़्यादा अमाउंट कैश में नहीं दे सकती। अकाउंट नंबर तो नहीं है वो, असल में कभी जरूरत नहीं पड़ी ना। यही तो घरेलू औरतों का अलमिया होता है, वो हर चीज शौहरों पे छोड़ देती है। अच्छा मुझे तुम अपने हस्बैंड का अकाउंट सेंड कर दो, मैं उसमें ट्रांसफर कर दूंगी। नहीं नहीं, मैं अपना अकाउंट खुलवा लूंगी, फिर आप उसमें ट्रांसफर कर देना। मेरे कपड़े क्यों नहीं इस्त्री किए अभी तक?
जी आ रही हूँ। मैं एक मिनट आती। आइसका बोले कोई ये कपड़े क्यों नहीं इस्त्री किया अभी तक? तब बोले कुछ तो ख्याल करे ना, कोई आया हुआ है बाहर। वो अभी तक यहीं पे? हाँ अभी तक यहीं पे हैं, बस जाने बने। मेरे कपड़े इस्त्री करके मुझे दो, मुझे देर हो रही है। दो मिनट ठहर जाएं, बस वो जाने वाली हैं। अच्छा मैं चलती हूँ और मेरा ड्राइवर आके सारा सामान ले जाएगा। नहीं आप बैठिए ना, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं चाय फिर किसी और दिन पी लेंगे। अपना अकाउंट खुलवा लो ताकि मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर सकूं, ठीक है? आप? अरे बहन तुम तो मुझे देख के ऐसे हैरान हो रही है जैसे पोलियो के कतरे पिलाने वाली कोई अनजान औरत आ गई है। जिठानी हो तुम्हारी? आप यहाँ क्या कर रही हैं? अम्मी से मिलने आई हूँ भाई, रास्ता तो चलो। अरे हटो भी, क्या हो गया है? अंदर नहीं आने दोगी क्या? अम्मी अम्मी देखे कौन आया है। वालेकुम सलाम अजरा, तू ही कैसे आ गए आज अचानक? भाई मैं तो आपसे मिलने आई हूँ, मैंने कहा चलो आपकी कोई खैर खैरियत पूछ कर आऊँ। कैसी हैं आप? नया सूट खरीदा है मैंने, देखिए कैसी लग रही हूँ। सेब भी लेकर आई हूँ आपके लिए। ओए हाय हाय, फलों की कीमतें तो आसमानों से बातें करी है, आग लगी हुई है। लेकिन मैंने भी कहा फ्रूट वाले से, मैंने कहा भाई सबसे आला किस्म के सेब चाहिए अपनी सास के लिए, लेना मुझे कसम से 400 रुपए किलो है। लेकिन छांट छांट कैसे कंचा पीस उठा के लाई हूँ ना कि बस खाइएगा। कहाँ है भाई वो? अरे फरहत भाई ये लो ना, सेब काट के लाओ, अम्मी के लिए इतनी कमजोर लग रही है। और हाँ तुम लोगों के लिए भी है ये नहीं कि सिर्फ अम्मी को ही दो, तुम और वासिफ भी खाना। अच्छा चलो आओ ना, आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ वो आई नहीं है अजरा भाभी। अजरा भाभी हमारे घर? नहीं पड़ोसियों के आई हैं। जाहिर है हमारे घर ही आई हुई हैं और 2 किलो सेब भी लेकर आई हैं अम्मी की खैरियत पूछने के लिए। मैंने तुम्हें कहा भी था अस्मा भाभी क्या उन्हें छोड़ा, लेकिन तुम मेरी बात तो सुनते ही नहीं। आ गई ना वो बहाना बना के हमारे घर। अच्छा ठीक है, अब इस बहस का फायदा। तुम्हें कितनी बार समझाया मुझे ऑफिस के टाइमिंग पे कॉल मत किया करो। वासिफ मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते। सुन तो रहा हूं ना, अब अजरा भाभी आ गई है तो मैं क्या कर सकता हूँ। वासिफ मुझे ना डर लग रहा है वो कोई तावीज ना रख दे हमारे घर पे। फजूल बात मत करना और मेरी बात सुन लो, कोई ऐसी बात मत करना कि कोई लड़ाई झगड़ा। मैं कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं कर रही, मैं तो सब करके बैठी हूँ। वासिफ तुम प्लीज आजकल में ना अम्मी को अस्मा भाभी के घर छोड़ा, वरना ये आए दिन हमारे घर में आती रहेंगी बहाना बना के अम्मी का। मैं घर आकर बात करता हूँ, अभी मुझे कॉल मत करना दोबारा। समय जी अम्मा। अच्छा हुआ बेटा तुम जल्दी आ गए,
तुम्हारे अबू चाह रहे थे कि तुम मेहमानों के आने से पहले घर पर मौजूद। अबू के ऐसे कौन से मेहमान हैं जिनके मेरा घर पे होना जरूरी है? इधर आओ बैठो। खैरियत तुम? आओ बैठ। बेटा वो तुम्हारे अब्बू के दोस्त हैं। और तुम्हारे अब्बू चाह रहे हैं कि उनके बेटे से तुम्हारा रिश्ता हो जाए। क्या? अरे आप उन्हें मना कर दें? मेरा अभी रिश्ता तय करने की क्या जरूरत? बेटा अभी तो सिर्फ देखने आ रहे हैं, हम कौन सा आज ही रिश्ता तय कर दें। लेकिन उनको बुलाने की भी क्या जरूरत? आप उन्हें अभी फोन करें और आप उन्हें कहें कि हमारी बेटी पढ़ रही है और हम रिश्ता तय करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। बेटा उनका लड़का जर्मनी से आया, वो चाहते हैं कि लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले बस। वैसे वो फैमिली तुम्हारे अब्बू की बहुत देखी वाली है और वो बहुत खुश है। लेकिन मैं तो खुश नहीं हूँ ना। देवी बाजी से मशवरा लेके देखे। बेबी बाजी से मशवरा करने की बात की थी मैंने तुम्हारे अब्बू से। फिर वो कहने लगे कि जब तक उनका अपना घर था तो बात समझ आती थी, लेकिन अब तो वलीद के मुस्तकबिल का कुछ पता ही नहीं। वो कोशिश तो कर रहे हैं ना। हाँ बेटा, अल्लाह कामयाब करे उसे। लेकिन तुम्हारे अब्बू ने मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि वलीद को सेट होने में टाइम लगेगा और वो लड़का बहुत वेल सेटल्ड है। लेकिन हम बम मगर बात को समझने की कोशिश करो समन। हमने दुनिया देखी और यकीनन तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। और हाँ, वलीद से भी अब ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं।